गाइस कैसे हो आप सब। मैं आ गई हूँ बहुत दिनों बाद एक वॉइस ओवर करते हुए गेम प्ले। तो गाइस मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ इतना सा, बट कोई ना, ट्राई तो करना ही पड़ेगा, डर के आगे जीत है। वाह क्या लाइन बोल दिया मैंने। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। सो गाइस मैं तो इधर आ गई हूँ। अभी लूट बहुत जरूरी है क्योंकि इधर इतने सारे बंदे, इधर फुटस्टेप उधर फुटस्टेप, तो अभी हमें गन ढूंढना है। तो मैं इधर आके थोड़ा सा नागिन बन गई हूँ क्योंकि नागिन बनना भी बहुत जरूरी होता है बंदे का लोकेशन जानने के लिए। चलो मुझे बंदे का लोकेशन तो पता चल गया है। अभी मैं मौली किया, लेकिन ऐसा मौली कोई मतलब ट्राई मत करना मैं जैसे मैंने किया है, क्योंकि मेरे जैसा मौली कोई कर ही नहीं सकता है। बट कोई ना, गलत मौली फिर भी लग गया है ना, तो मैंने सोचा और एक मौली कर लेते हैं, तो देखते हैं। चलो ये तो जला नहीं। मैं फिर से नागिन बन के रेंगते रेंगते सोच रही हूँ कि कोई तो आ जाए, उसको मैं फटाक से मार लूंगी। लेकिन मेरा वाला मुझे किल्स नहीं मिला, उधर और एक बंदा था। मैंने सोचा चलो नेट करते हैं। ये देखो मैंने नेट का आ गया, मुझे खुद भी नहीं पता। तो इधर ये काम नहीं चला, तो मैंने सोचा कि चलो सीढ़ियों पे कैंप किया जाए। एक बंदा तो मैंने, तो मैं फिर से कैंप करने लग गई। लेकिन इस बंदे का और एक बंदा इधर आ जाएगा, लेकिन उसको बताया नहीं, उसका किस्मत खराब है। तो काफी देर बैठने के बाद एक बंदा आ ही गया है। चलो मैं देखता हूँ इसको मार सकता हूँ कि नहीं। ये देखो मुझे नेट करने आया था भाई, थोड़ा सा सीख के आ जा। और इधर उधर देखना भी चाहिए कि दुश्मन कहाँ कहाँ बैठे है। तो इधर मुझे लूटपाट करने में लग गई। जैसे ही लूटपाट कर रही थी, देखा कि मेरा नंबर वन नॉक हो गया। तो हेल्प कर रहा था, तो मैंने बंदे का सोचा नहीं, मैं सीधा दौड़ने लग गया कि मेरा टीममेट्स को मुझे सेव करना है। तो ये रिकॉल भी हो चुका था, अब मर भी गया है, तो ये दोबारा जिंदा नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकते नंबर वन। देखो मेरा नंबर टू भी नॉक हो गया है, लगता है ये भी जाएगा ऊपर, मींस लॉबी। यही वो दुश्मन था जो मैं हमारे दो टीममेट्स को फिनिश किया। तो मैंने इधर पीछे से आके दो बंदे को मैंने नॉक कर दिया। इसका और एक बंदा था वैसे, वैसे मुझे लगा भी नहीं था कि मैं मार दूंगी। बट मुझे एक है कि मैं अंदर से प्रो हूँ, बट मुझे वो पता नहीं है। चलो मैं इधर तीन बंदे को मैं मार, मतलब दो बंदे को तो मैंने मार लिया, लास्ट बंदे को मैंने सोचा कि चलो फिनिश करके आते हैं। फिनिश करने के बाद सबसे बड़ी चीज लूटना जरूरी होता है। तो मैं लूट के जैसे आगे आ रहा था, देखा कि उस पहाड़ी से मुझे कोई मार रहा था। भाई रुक जा, ऐसे कौन मारता है। तो मैं भी लगे हाथ ट्राई करती हूँ। वैसे थोड़ा बहुत लगा उसे, लेकिन इस साइड में भी देखना। अभी मुझे लगा कि थोड़ा क्लोज इन कर लूँ क्योंकि मेरा लॉन्ग रेंज बहुत घटिया है। टट्टी देखो इधर से मुझे मारने लग गया, राइट में भी बंदे, लेफ्ट में भी बंदे। मैं करूँ भी तो क्या करूँ। जैसे मैं इधर राइट में देखा, देखा कि लेफ्ट वाले क्लोजिंग करने लग गया। चलो उसका तो मैं काम तमाम कर दिया, अब वो ही वाला काम रहेगा फिनिश करना। क्योंकि मेरे साथ यही होता है कि मैं नॉक तो कर देता हूँ, मुझे किल्स नहीं मिलती है। अब टाइम आ गया उड़ने का, तो मैं सोचा उड़ के थोड़ा आगे जाऊँ, बट इधर बहुत सारे बंदे हो आ जाएगा। और मेरे साथ हादसा हो गया है इधर। गाइस मैं उड़ के तो आ गई हूँ, बट मुझे कोई डैमेज दे रहा था। अबे रुक जा, पहले चीज मैं इधर हीलिंग करूंगी। गाइस वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो गाड़ी वाले को मारने जा रहा था, पीछे से बंदे आ गया। करूँ भी तो क्या करूँ अकेले, लड़की को अत्याचार हो रहा है।
मेरे सारे टीममेट्स लॉबी पहुंच गए, बट मैं अकेले बची हूँ। इधर वेट करते करते मैं आगे नहीं जा पा रहा था तो जोन आ गया। ये लोग देखो पीछे से आ रहे थे। वेट करो पत्थर के पीछे। एक को तो मैंने नॉक कर दिया। मैंने सोचा कि इधर दो बंदे था, मैं ऐसे इजी मार दूंगी, लेकिन मेरे साथ इधर क्या होता है। पत्थर के पीछे ही कर। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है।